बुद्धिमान बंदर और मगरमच्छ की कहानी। मैगमैच और बंदर की कहानी। एक था घना जंगल जहां जानवर एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहा करते थे। उस जंगल के बीच एक बहुत सुंदर और बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। तालाब के चारों ओर बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। उनमें से एक पेड़ पर बंदर रहता था। बंदर और मगरमच्छ एक दूसरे की बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदर पेड़ से मीठे और स्वादिष्ट फल खाता था और साथ ही अपने दोस्त मगर को भी देता था। बंदर अपने दोस्त मगर का खास ख्याल रखता और मगर भी उसे अपनी पीठ पर बैठा कर पूरे तालाब में घुमाता था। दिन निकलते गए और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। बंदर जो फल मगरमच्छ को देता था, मगरमच्छ उनमें से कुछ फल अपनी पत्नी को भी खिलाता था। दोनों फलों को बड़े ही चाव से खाते थे। बहुत दिनों के बाद एक बार मगर की पत्नी ने कहा, कई बंदर तो हमेशा ही स्वादिष्ट फल खाता रहता है, जरा सोचो उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। वह मगर से जिद करने लगी कि उसे बंदर का कलेजा खाना है। मगर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं माना और वो मगर से रूठ गई। अब मगर को न चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ा। उसने कहा कि वो दूसरे दिन बंदर को अपनी गुफा में लेकर आ जाएगा, तब उसका कलेजा निकाल कर खा लेना। इसके बाद मगर की पत्नी मान गई। हर दिन की तरह स्वादिष्ट फलों के साथ बंदर मगर का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में मगर भी आ गया और दोनों ने मिलकर फल खाए। मगरमच्छ बोला कि दोस्त, आज तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है, चलो तालाब की दूसरी ओर मेरा घर है, आज वहाँ चलते हैं। बंदर छट से मान गया और उछलकर मगर की पीठ पर बैठ गया। मगर उसे लेकर अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों तालाब के बीच पहुँचे, मगर ने कहा कि मित्र, आज तुम्हारी भाभी की इच्छा है कि वो तुम्हारा कलेजा खाए। ऐसा कहकर उसने पूरी बात बताई। बंदर छट से मान गया और उछलकर मगर की पीठ पर बैठ गया। मगर उसे लेकर अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों तालाब के बीच पहुँचे, मगर ने कहा कि मित्र, आज तुम्हारी भाभी की इच्छा है कि वो तुम्हारा कलेजा खाए। ऐसा कहकर उसने पूरी बात बताई। बात सुनकर बंदर कुछ सोचने लगा और बोला, मित्र तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। मगर ने पूछा, क्यों मित्र, क्या हाय गया। बंदर बोला कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ा हूँ, तुम मुझे वापस ले चलो तो मैं अपना कलेजा साथ में ले आऊंगा। मगर बंदर की बातों में आ गया और वापस किनारे पर आ गया। वो दोनों जैसे ही किनारे पर पहुंचे, बंदर छट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला कि मूर्ख, तुझे पता नहीं कि कलेजा हमारे अंदर ही होता है, मैं हमेशा ही तुम्हारा भला सोचता रहा और तुम मुझे ही खाने चले थे, कैसी मित्रता है ये तुम्हारी, चले जाओ यहाँ से। मगर अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बंदर से माफी मांगी, लेकिन अब बंदर उसकी बातों में नहीं आने वाला था। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का उपयोग कर उसे दूर करने का उपाय सोचना। एक घमंडी हाथी और चींटी की कहानी। घमंडी हाथी और चींटी की कहानी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपने शरीर और अपनी ताकत का बहुत घमंड था। उसे रास्ते में जो भी जानवर मिलता वो उसे परेशान करता और डरा कर भगा देता। एक दिन वे कहीं जा रहा था, रास्ते में उसने एक पेड़ पर एक तोते को बैठा देखा और उससे अपने सामने झुकने के लिए बोला। तोते ने झुकने से मना कर दिया तो गुस्से में आकर हाथी ने वो पेड़ ही उखाड़ दिया जिस पर तोता बैठा था। तोता उड़ गया और हाथी उसे देख कर हंसने लगा। फिर एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया। वहीं पर चींटियों का छोटा सा घर था। एक चींटी बड़ी मेहनत से अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। ये देख हाथी ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो चींटी ने कहा कि बरसात का मौसम आने से पहले अपने लिए भोजन जमा कर रही हूँ ताकि बारिश का मौसम बिना किसी परेशानी से निकल जाए। यह सुनकर हाथी के मन में शरारत सूझी और उसने अपनी सूंड में पानी भरकर चींटी के ऊपर डाल दिया। पानी से चींटी का भोजन खराब हो गया और वो पूरी भीग गई। ये देखकर चींटी को बहुत गुस्सा आया और उसने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का सोचा। फिर एक दिन चींटी को मौका मिल ही गया कि वो हाथी को सबक सिखा सके। हाथी भोजन करके हरी घास पर सो रहा था। चींटी सोते हुए हाथी की सूंड में घुस गई और अंदर से उसे काटने लगी। जैसे ही चींटी ने हाथी को काटा, हाथी दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। चींटी ने हाथी के रोने की आवाज सुनी और सूंड से बाहर निकल आई। हाथी उसे देखकर डर गया और अपने किए की माफी मांगी। जब चींटी को महसूस हुआ कि हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उसने हाथी को माफ कर दिया।
हाथी अब बिल्कुल बदल गया और उसने वादा किया कि अब वो किसी को नहीं सताएगा और दूसरों की मदद करेगा। कहानी से सीख है हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परेशान करने की जगह उनकी मदद करनी चाहिए। होम्ड एश नैतिक कहानियाँ। हंस और मूर्ख कछुआ की कहानी। हंस और कछुआ की कहानी। एक जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जहाँ जानवर आकर अपनी प्यास बुझाया करते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह फालतू की बातें बहुत करता था, इसलिए सभी जानवरों ने उसका नाम बातूनी कछुआ रखा हुआ था। लेकिन दो हंस उसके बहुत अच्छे दोस्त थे जो हमेशा उसका भला चाहते थे। एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। जानवर पानी पीने के लिए तरसने लगे। यह देखकर हंसों ने कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी कम हो रहा है और हो सकता है कि ये बहुत जल्दी सूख जाए। तुम्हें ये तालाब छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। इस पर कछुए ने कहा कि मैं ये तालाब छोड़कर कैसे जा सकता हूँ और यहाँ आसपास कोई तालाब भी नहीं है। लेकिन हंस अपने दोस्त का भला चाहते थे। उन्होंने अपने दोस्त की मदद कर के लिए खूब सोचा और एक तरकीब निकाली। दोनों हंसों ने कहा कि हम एक लकड़ी लेकर आते हैं, तुम अपने मुंह से उसे बीच में से पकड़ लेना और लकड़ी का एक एक सिरा हम दोनों पकड़कर तुम्हें यहाँ से दूर एक बड़े तालाब में ले जाएंगे। उस तालाब में बहुत सारा पानी है और वो कभी नहीं सूखता। कछुआ उनकी बात मान गया और हंसों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उड़ने से पहले हंसों ने उसे चेतावनी दी कि वे यहाँ रास्ते में कुछ भी न बोले। जब हम बड़े तालाब पर पहुँच जाएंगे तब ही उसे जो बोलना है बोल सकता है। कछुए ने हाँ में उत्तर दिया और लकड़ी को पकड़ लिया। वो दोनों हंस लकड़ी को पकड़कर उड़ चले। वो उड़ते हुए एक गांव के ऊपर से निकले। गांव वालों ने ऐसा पहली बार देखा था। सभी तालियां बजाने लगे। यह देखकर कछुए सिराहा नहीं गया और बायला के नीचे क्या हो रहा है। जैसे ही उसने बायलने के लिए मुंह खुला उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वो नीचे गिर गया। ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से कछुआ मर गया और हंस अफसोस करते हुए वहाँ से चले गए। कहानी से सीख है हमें बिना वजह और बिना मतलब के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है।